नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लोपिवास 75 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट अब तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों ये जो क्लोपिवास 75 mg टैबलेट मार्केट में आती है, सिप्ला कंपनी की आती है दोस्तों। ये 15 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। दोस्तों ये जो 15 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 105 रुपये और 61 पैसे, यानी 105 रुपीज़ एंड 61 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपको आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर क्लोपिडोग्रेल 75 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो क्लोपिवास 75 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली ये दवा को एंटी प्लेटलेट दवा बोला जाता है। ये दवा इसको ब्लड थिनर भी बोला जाता है। तो मेनली ये दवा इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल ब्लड क्लॉट इन योर ब्लड वेसल। दोस्तों आपके ब्लड वेसल के अंदर हार्मफुल ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए ये दवा दी जाती है। ये दवा आपके जो ब्लड क्लॉट है वो निर्माण को रोकती है और आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की जो जोखिम रहती है उसको कम करने के लिए ये दवा इस्तेमाल की जाती है। तो बेहतरीन दवा है दोस्तों, यूज़ टू हेल्प द लोअर ऑफ चांसेस फॉर यू गेटिंग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक के जो चांसेस रहते हैं उसको कम करती है। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल ब्लड क्लॉट। दोस्तों हार्मफुल जो ब्लड क्लॉट इफ आपके ब्लड वेसल के अंदर निर्माण होते हैं उसको कम करता है, रोकता है, तो बेहतरीन दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको नौसेन वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है और भी कुछ साइड इफेक्ट रिएक्शन एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे रोजाना एक गोली लेना है। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।